हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में। दोस्तों मैं नितिन सैनी, जैसा कि आपको 11 12th की आपकी क्लासेस चल रही है, साथ ही साथ आपकी 9 10th की क्लासेस भी एलिमेंट्री के यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही है, तो ऑफलाइन क्लासेस में भी आपकी 9 10th क्लासेस चलाई जाएगी। ओके गाइस, तो मैं आपका 9th क्लास का आज आपका सेकेंड चैप्टर करा रहा हूँ, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का हिंदी मीन्स होता है बहुपद, और जो पॉलिनोमियल में अपन आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, यानी कि जिनको यूज़ करेंगे, जिस तरीके से पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे, वो आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। तो गाइस, ये लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, तो इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट आपको वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके गाइस, तो देखिए, जैसा कि आपका चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल, इसका हिंदी मीन्स होता है आपका बहुपद। देखो गाइस, जैसा इसका नाम है वैसा इसी का काम है, यानी कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखो, आपको डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉलिनोमियल का बस इतना ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल मीन्स हिंदी मीन्स आपका बहुपद, और पॉली जैसे इसको अपन जैसे मैंने लिखा पॉली, तो पॉली का मीन्स होता है मैनी, पॉली मीन्स क्या होता है आपका मैनी, और नोमियल यानी क्या होता है आपका पार्ट्स, क्या होता है आपका नोमियल यानी पार्ट्स, यानी कि पॉली यानी क्या होता है आपका मैनी, और नॉमियल यानी कि अपन ने इसका क्या कर दिया, एक तरीके से संधि विच्छेद कर दिया, क्या कर दिया, संधि विच्छेद। तो यानी कि पॉली मीन्स आपका क्या होता है मैनी, और नॉमियल यानी क्या होता है पार्ट्स। अब देखो, मैनी का आप हिंदी मीन्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, क्या होता है बहुत, मैनी मीन्स क्या होता है आपका बहुत, और पार्ट्स यानी आपको पता है भाग, यानी कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है जिसके अंदर भाग होने चाहिए, जिसमें क्या होने चाहिए बहुत सारे भाग होने चाहिए, वही क्या कहलाता है आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। यानी कि भाग किस तरीके से आपके, यानी कि एक से ज़्यादा पद होने चाहिए, क्या होने चाहिए, एक से ज़्यादा पद। देखो यहाँ पे नाम क्या लिख रखा है इसका, हिंदी मीन्स बहुपद। बहुपद का मतलब क्या हुआ कि जिसमें एक से ज़्यादा पद होंगे वो क्या कहलाएगा आपका बहुपद। जैसे देखो, मैंने गाइस लिखा एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो आपने देखा कि इसके अंदर कितने पद दिखाई दे रहे हैं आपको, दो पद दिखाई दे रहे हैं, कितने पद दिखाई दे रहे हैं आपको दो। देखो एक पद आपका ये रहा, ये फर्स्ट पद हो गया आपका, ये कौन सा पद है फर्स्ट पद, और ये कौन सा हो गया आपका सेकंड, ये कौन सा हो गया सेकंड, क्योंकि इसके बीच में क्या लग चुका है प्लस। यदि आपका किसी भी इक्वेशन के बीच में अगर एक प्लस है तो उसमें कितने पद हो जाते हैं दो। अगर मैं इसी के अंदर एक और प्लस लगा दूं और यहाँ पर थ्री लिख दूं, अब इसके अंदर आपने देखा कि कितने प्लस हो चुके हैं, इसके अंदर दो प्लस, यानी कि इसके अंदर कितने पद है, अब तीन पद है, यानी कि जितने एक प्लस तो दो पद, यदि दो प्लस हैं तो कितने पद हो जाएंगे, यानी कि एक ज़्यादा हो जाता है। इसी तरीके से आपका क्या होता है माइनस का खेल होता है। जैसे मैंने लिखा 3x² - 2, मैंने ये लिखा, ठीक है गाइस। अब आपने देखा कि इसके अंदर एक माइनस है, यानी कि इसके अंदर पद कितने होंगे, दो होंगे, यानी कि जितने सिंबल होते हैं उससे एक ज़्यादा क्या होता है पद होते हैं, और इसी चीज़ को आपको क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो पॉलिनोमियल बिल्कुल सिंपल चीज़ है, क्या होता है पॉलिनोमियल, जिसके अंदर एक से ज़्यादा क्या होने चाहिए पद, उसी को क्या बोलेंगे अपन पॉलिनोमियल। अब देखो अपन गाइस पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो देखिए गाइस, आपका जैसे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि पॉलिनोमियल के प्रकार, यानी कि बहुपद के प्रकार। अब देखो, जो पॉलिनोमियल होता है उसके प्रकार दो तरीके से होता है, यानी कि दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इनको। देखो फर्स्ट कैटेगरी क्या है आपकी, फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू पार्ट्स, किसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू पार्ट्स, यानी कि पार्ट्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ, थ्री टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं पार्ट्स के अकॉर्डिंग, पॉलिनोमियल के थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा है आपका, मोनोमियल, क्या नाम है उसका, मोनोमियल। मोनोमियल का हिंदी मीन्स होता है आपका एक पदीय, क्या होता है एक पदीय। सेकेंड आपका क्या है, सेकेंड है आपका बाइनोमियल का हिंदी मीन्स होता है आपका द्विपदीय। अब आपको इनके नामों से ही बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, तो मैं बोल रहा हूँ पॉलिनोमियल क्या होता है, बिल्कुल सिंपल, जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है, और सेम उसके जैसे उसके पार्ट्स है उनका भी जैसा नाम है वैसा ही उनका क्या है, काम है। ओके गाइस, अब देखो आपका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड टाइप है इसका ट्रिनोमियल, क्या है ट्रिनो
मियल। अब देखो ट्रिनोमियल का हिंदी मीन्स क्या होता है आपका, त्रिपदीय, क्या होता है त्रिपदीय। अब देखो फर्स्ट टाइप अपन ने लिखा, फर्स्ट टाइप क्या बताया मैंने, मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, एक पदीय, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, जिसमें क्या हो सिर्फ एक पद। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, क्या लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर सिर्फ क्या है एक ही पद है, ये आपका क्या हो गया एग्जाम्पल हो गया। तो मोनोमियल बिल्कुल सिंपल है, जिसके अंदर क्या हो एक पद हो। फिर आता है बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो द्विपदीय, यानी कि जिसके अंदर दो पद हो, कितने पद होने चाहिए दो। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा 3ay² + 2, मैंने ये लिख दिया, तो आपने इसके अंदर देखा कि आपको कितने पद दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर दो पद दिखाई दे रहे हैं, आपका फर्स्ट पद ये हो गया और सेकंड पद ये हो गया, यानी कि इसके अंदर कितने पद है दो पद है, तो यानी कि इसको अपन क्या बोलेंगे बाइनोमियल बोलेंगे। ओके गाइस, अब देखो थर्ड वाला क्या है, इसका एग्जाम्पल ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल का हिंदी मीन्स क्या होता है आपका, त्रिपदीय, यानी कि जिसके अंदर तीन पद होने चाहिए, कितने पद होने चाहिए तीन। जैसे मैंने लिखा 3z² + 2y (2z + 1/2)। अब आपने देखा कि इसके अंदर आपको कितने पद दिखाई दे रहे हैं, तो आपने देखा कि इसके अंदर तीन पद दिखाई दे रहे हैं आपको। देखो कितने पद हैं, ये आपका फर्स्ट पद, ये आपका सेकंड पद और ये आपका थर्ड पद, यानी कि ये क्या है एक ट्रिनोमियल है, यानी कि त्रिपदीय है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसके टाइप्स किसके अकॉर्डिंग, पार्ट्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सिंपल है। कितने टाइप्स है, तीन टाइप्स है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, और जैसा इनका नाम है वैसे ही क्या है इनका काम है। अब देखिए गाइस, आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैंने बोला कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा क्या हो पद हो। पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा पद हो। फिर आप सोचोगे कि सर आप मोनोमियल को बोल रहे हो कि मोनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल का एक टाइप है, पर इसके अंदर तो सिर्फ एक ही पद है, तो फिर इसको पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं अपन। तो देखो गाइस, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मोनोमियल कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होता, मोनोमियल पॉलिनोमियल तो नहीं है, पर ये इसका प्रकार जरूर है। ये इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मोनोमियल एक पॉलिनोमियल नहीं है, पर ये इसके टाइप्स के अंदर आता है। ओके गाइस, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए आगे अपन इसके दूसरी कैटेगरी के टाइप पे डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डिग्री, किसके अकॉर्डिंग करेंगे आप इनका टाइप्स को कैसे डिवाइड करेंगे आपकी बात, डिग्री के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग डिग्री। अब देखो डिग्री को वैसे एक्सपोनेंट्स भी बोला जाता है, पावर्स भी बोला जाता है एक तरीके से, या फिर आप हिंदी में आप इसको क्या बोलोगे घात बोलोगे, क्या बोलोगे घात, यानी कि घात के अपन घात के अकॉर्डिंग अपन को क्या बताना है पॉलिनोमियल के टाइप्स बताने। ओके गाइस, तो देखो इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप आपका क्या है, फर्स्ट टाइप आपका होता है लीनियर, क्या होता है लीनियर, यानी कि रैखिक, रैखिक पॉलिनोमियल। ठीक है गाइस, सेकंड बी क्या है आपका, यानी कि बी जो टाइप है आपका दूसरा टाइप क्या होता है क्वाड्रेटिक, क्या होता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक मीन्स क्या होता है आपका द्विघात, क्या होता है द्विघात। थर्ड सी आता है आपका क्यूबिक, क्यूबिक यानी त्रिघात, क्या हो जाएगा त्रिघात। अब देखिए गाइस, जैसे इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपके जो टाइप्स है वो किसके अकॉर्डिंग है, दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक टाइप अपन ने पढ़ लिया किस तरीके से, पार्ट्स के अकॉर्डिंग, अब अपन पढ़ रहे हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। पर उससे पहले अपन को इन पार्ट्स को समझने से पहले क्या समझना पड़ेगा कि डिग्री क्या होती है, क्या चीज़ कि डिग्री क्या होती है। तो देखो डिग्री क्या होती है, मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। डिग्री आपकी बिल्कुल सिंपल चीज़ होती है, जो भी आपका वेरिएबल होता है, क्या होता है आपका वेरिएबल। जैसे देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ, मैंने जैसे लिखा (x²) + 3x + 2। अब देखिए गाइस, आप छोटी सी क्लास में बहुत अच्छे से सीख गए होंगे 6th या 7th क्लास में ये चीज़ कि ये जो नंबर्स लिखे होते हैं इनको तो अपन क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट, क्या बोलते हैं इनको कॉन्स्टेंट, और जो आपके ये x और y लिखे होते हैं इनको क्या बोला जाता है वेरिएबल, क्या बोला जाता है इनको वेरिएबल। अब देखो कॉन्स्टेंट का हिंदी मीन्स होता है अचर, और वेरिएबल मीन्स क्या होता है आपका चर। ठीक है गाइस, तो देखो डिग्री क्या होती है आपकी, डिग्री वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर, डिग्री क्या होती है
कि जो आपकी इक्वेशन यानी कि जो एक्सप्रेशन आपकी लिखी हुई है उसमें वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट जो पावर होगी उसी को क्या बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है। यानी कि जैसे मैंने पूछा इस पॉलीनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो आपको देखना है कि इसमें वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक्स दिखाई दे रहा है। सेकंड नंबर पे आपको क्या चीज़ देखनी है कि इसमें एक्स की सबसे ज़्यादा पावर है क्या। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर तो एक्स की पावर ओनली वन है, यहाँ पर एक्स की पावर टू है। तो यानी कि अपन को तो क्या देखना था इसके अंदर हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर क्या है इसके अंदर टू। यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी टू। ओके गाइस, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 3y³ + 2y² + 3y, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और मैंने पूछा कि इस पॉलीनोमियल की आप मुझे क्या बताइए, डिग्री बताइए। क्या बतानी है आपको इसकी, डिग्री बतानी है। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे इसके अंदर वेरिएबल क्या है। तो आपने, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो एक्स वाई होते हैं इनको क्या बोला जाता है, वेरिएबल बोला जाता है। आप देखो, आपने देखा कि यहाँ पर y की पावर 1 भी है, y की पावर 2 भी है और y की पावर 3 भी है, परंतु अपन को पता है कि डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही क्या बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है आपको, 3। यानी कि इस पॉलीनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 3। क्या हो जाएगी इसकी डिग्री, 3। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही क्या बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है किसी भी पॉलीनोमियल की। ओके, अब देखो अपन पॉलीनोमियल के टाइप्स पढ़ रहे थे, तो उसी टाइप्स में, तो उन्हीं टाइप्स में अपन ये तीन टाइप्सों को देखो अब डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। यानी कि पॉलीनोमियल के डिग्री के अकॉर्डिंग अपन को क्या बताना है, टाइप्स बताना है। तो देखो तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका लीनियर। तो देखो लीनियर क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 1। यानी कि वो पॉलीनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, सिर्फ 1 होनी चाहिए। यानी कि डिग्री क्या होनी चाहिए पॉलीनोमियल की, ऐसे लिख लीजिए पॉलीनोमियल, शॉर्ट में इसको लिख लेते हैं अपन डिग्री। यानी कि डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी कि वो पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, सिर्फ 1 हो, वो क्या कहलाता है आपका, लीनियर पॉलीनोमियल कहलाता है। जैसे मैंने एग्जांपल देखो, मैंने लिया 3x + 2। आपने सबसे पहले इसमें देखना है कि इसके अंदर वेरिएबल क्या है। तो आपको दिखाई दे रहा है वेरिएबल क्या है इसके अंदर, एक्स। फिर आपने देखा कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो आपने देखा कि x की पावर सिर्फ यहाँ पर 1 ही दिखाई दे रही है आपको। कितनी पावर्स दिखाई दे रही है आपको, सिर्फ 1। यानी कि इसकी डिग्री क्या हो गई, 1। तो यानी कि इस पॉलीनोमियल को अपन क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलीनोमियल बोलेंगे। इसी तरीके से देखो क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक मीन्स होता है आपका डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कोई भी पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कब कहलाएगा, जब उसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। यानी कि पॉलीनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2। यानी कि डिग्री 2 होनी चाहिए। अब देखो इसका भी एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा 3y² + 5y + 2। तो देखिए गाइस, आपने इसके अंदर देखा कि इसके अंदर आपको कितनी डिग्री दिखाई दे रही है, सॉरी हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है, y की 2 दिखाई दे रही है। सबसे पहले क्या देखना है, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है आपको इसके अंदर, y। और y की हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है आपको, 2। ये मत देखो कि y की पावर 1 भी है, आपको सीधा सा बता दिया कि डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। यानी कि पॉलीनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वही क्या कहलाती है, उस पॉलीनोमियल की डिग्री। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है आपको, 2। तो यानी कि इस पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी हो चुकी है आपकी, 2। और जिसकी डिग्री 2 होती है उसी पॉलीनोमियल को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोला जाता है। ओके, अब आते हैं अपन थर्ड, क्यूबिक। अब इसका नाम क्या है, त्रिघात। यानी कि जिसकी क्या हो, 3 घात हो। यानी कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो यानी कि इसका एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा 3z³ + 5z² ये मैंने लिख दिया, ठीक है गाइस। अब देखा कि आपने इस पॉलीनोमियल के अंदर आपने क्या चीज़ देखी, इसके अंदर जो वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है, xyz जो भी लिखे होते हैं मैथ में वो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो ये जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे आपको कितनी दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है। यानी कि ये क्या है, एक क्यूबिक
पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? ये क्यूबिक यानी कि त्रिघात पॉलिनोमियल है। तो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लीनियर जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक जिसकी डिग्री क्या हो, 3। तो ये टाइप्स आपके क्लियर हो चुके हैं, पॉलिनोमियल के इतने ही टाइप्स होते हैं। ओके गाइस, अब आगे देखिए आप। अब देखिए गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कई बार बच्चों के क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, वो कुछ मतलब जो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं उनको भी पॉलिनोमियल समझ लेते हैं। तो देखो उसका रीज़न क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि कौन से एक्सप्रेशन, कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते, पॉलिनोमियल नहीं होते, नहीं होते। ठीक है गाइस, इसको आपको नोट डाल के लिख लेना है, या फिर आप कैसे भी नोट डाउन कर सकते हो इसको। देखे ठीक है, अब आपको देखो, मैंने आपको अभी बताया पॉलिनोमियल के बारे में अच्छे से बता दिया। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है, जैसे अपन ने ये लिख रखा है 1/x² + 2x + 3। कई बार क्या करते हैं बच्चे, इसको भी पॉलिनोमियल समझ लेता है। क्या समझ लेता है? इसको भी पॉलिनोमियल समझ लेता है। क्या? क्योंकि वो ये बोलता है कि बस हमको तो ये बताया गया था कि जिसके अंदर एक्स वाई होंगे और टर्म्स देखनी है हमको, तो वो क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। पर देखिए गाइस, पॉलिनोमियल क्या बोलता है कि वो पॉलिनोमियल कब होगा, जब ये जो एक्स है यानी कि जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अब आपने देखा कि यहाँ तो आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, पर रियल में आप एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो एक्स स्क्वायर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का। यानी कि एक्स की पावर क्या हो गई, माइनस की हो गई। क्या हो गई? एक्स की पावर नेगेटिव प्लस 2x + 3। तो यानी कि जब भी एक्स की पावर क्या हो, नेगेटिव हो जाए, तो यानी कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके गाइस, अब देखो इसी तरीके से जब मैंने लिख रखा है एक्स की पावर 1/2 + 3x + 5, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी क्या है? आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल सिर्फ वही होते हैं जिनकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए पावर? हमेशा होल नंबर। पावर क्या होनी चाहिए? हमेशा होल नंबर। और आपको पता है होल नंबर्स क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3 and so on, और ये कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। तो यानी कि कोई भी जब आपका ऐसे एक्सप्रेशन लिख रखा है, तो उसको आपको देखने से पहले आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि उसके अंदर जो एक्स यानी कि जो वेरिएबल लिखा हुआ है उसकी पावर यहाँ से 1/2, 3/2, 3/4 इस तरह से नहीं होनी चाहिए। ना कभी एक्स अपॉन में होना चाहिए, एक्स कभी अपॉन में भी नहीं होना चाहिए, और एक्स की पावर 1/2, 3/2 ये नहीं होनी चाहिए। एक्स की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। कैसी पावर होनी चाहिए? हमेशा होल नंबर। यानी कि जैसे मैंने लिखा 3x² + 5x। अब आपने देखा कि ये क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें देखो आप एक्स की पावर क्या दिखाई दे रही है आपको, होल नंबर। 1 भी आपका होल नंबर होता है एंड 2 भी आपका क्या होता है, होल नंबर होता है। तो गाइस ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, √x + 5 ये मैंने लिखा। ठीक है गाइस, अब आपको पता है कि जो रूट है इसको हटाकर मैं क्या लगा सकता हूँ, इसकी जगह 1/2 लगा सकता हूँ, यानी कि एक्स की पावर 1/2 + 5। तो ये अब भी क्या हो गई, इसकी पावर 1/2 में चले गई। क्या हो गई? इसकी पावर फ्रैक्शन में आ चुकी है। तो यानी कि इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल आपका नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, जिसके अंदर एक से ज़्यादा पद होने चाहिए। और दूसरी चीज़ आपने क्या सीखी इसमें, कि एक्स की जो पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ओके गाइस, इस चीज़ को आपको नोट डाउन करके लिख लेना होगा। कोई चीज़ आपको क्लियर ऐसे प्रॉब्लम आती है लिखने में, तो आप उसको हिंदी में लिख लीजिए, जिस तरह से आपको समझ में आए आप वैसे लिख सकते हैं। आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे डिपेंड करता है, सॉरी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, कि कौन सा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो उस फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसी चीज़ पे है। जब मैं आपको इससे अगला लेक्चर कराऊंगा तो उसमें मैं आपको एनसीईआरटी की 2.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट
करा दूंगा। जब आपको ये जितना मैं लेक्चर आज इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ वो आपके बहुत अच्छे से उसमें काम आएगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद आप उस चैप्टर को अगर आप सॉल्व करोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा आपसे। अब देखिए गाइस अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलीनोमियल, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ ए वैल्यू। क्या पढ़ेंगे अब अपन? कोएफिशिएंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि कोएफिशिएंट आपका क्या होता है? तो देखिए गाइस जब आप कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जब आप एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी 3x² + 5x + 2। अब मैंने आपसे पूछा कि इसके अंदर मुझे ये बताइए कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। मैंने क्या पूछा आपसे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? तो बिल्कुल सिंपल होता है। कोएफिशिएंट क्या होता है? जिस चीज़ का आपसे कोएफिशिएंट पूछा गया है उसके मल्टीप्लाई में जो चीज़ है आपको वही लिख देनी है, वही क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है, तो आप लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या होगा आपका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 3 दिखाई दे रहा है, तो यानी कि इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका 3। क्या हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट? 3। ये आपका एग्जांपल फर्स्ट हो गया। एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 1/3 x³ + 5/4 x + 2। मैंने ये लिखा और मैंने आपसे इसमें क्वेश्चन लिखा गया कि फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x। किसका कोएफिशिएंट बताइए? x का कोएफिशिएंट बताना है। किसका बताना है? कोएफिशिएंट ऑफ x। किसका कोएफिशिएंट बताना है आपको? x का बताना है, एक्स स्क्वायर का नहीं। कहीं आप बढ़ते पहले ही एक्स स्क्वायर का क्या लिख दो? 1/3। आपसे पूछा किस चीज़ का है? x का कोएफिशिएंट पूछा है, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका? 5/4। क्या हो जाएगा x का कोएफिशिएंट? 5/4। तो बिल्कुल सिंपल है। यानी कि आपसे कोएफिशिएंट क्या होता है? जिस भी चीज़ का कोएफिशिएंट, यानी जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट पूछा है उसके मल्टीप्लाई में आपको जो दिखाई दे रहा है आप उसको लिख सकते हैं। जैसे देखो एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। मैंने लिखा k² + 5x + 2। मैंने आपसे पूछा इसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए। किसका कोएफिशिएंट पूछ लिया मैंने आपसे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैंने क्या बोला? जिसका भी कोएफिशिएंट आपसे पूछा जाए उसके मल्टीप्लाई में जो चीज़ लिखी हुई है उसी को लिख देना है। तो यहाँ का आपको कोएफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है? के दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? के। तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का? यहाँ पर कोएफिशिएंट के हो जाएगा। ओके गाइस, अब देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 5y³ + y + 2। ओके गाइस, मैंने आपसे इसमें ये पूछा कि मुझे ये बताइए कि y का कोएफिशिएंट क्या है। क्या पूछा मैंने आपसे? y का कोएफिशिएंट क्या, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ y। तो बच्चे क्या करते हैं इसमें, देखते हैं कि सर y के मल्टीप्लाई में मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो वो क्या कर देता है? इसका कोएफिशिएंट 0 बता देता है। क्या बता देते हैं? 0, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है। कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होता है। क्या है? कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होता है। तो आप देखिए इसमें जो y का कोएफिशिएंट है वो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो यानी कि आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे 1 लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? 1, क्योंकि 1 से जब आप y को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि आपका इस दर y का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 1 हो गया। क्या हो चुका है यहाँ पे? y का कोएफिशिएंट 1 हो चुका है। ओके गाइस, तो कोएफिशिएंट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जीरोस ऑफ ए पॉलीनोमियल, यानी कि एक पॉलीनोमियल का जीरो क्या होता है। बस इस लेक्चर का आपका ये लास्ट टॉपिक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट क्लियर करेंगे। आप देखिए गाइस आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके 10th क्लास के अंदर भी है कि जीरोस ऑफ ए पॉलीनोमियल। क्या है? जीरोस ऑफ ए पॉलीनोमियल, जीरोस ऑफ ए पॉलीनोमियल, यानी कि पॉलीनोमियल के शून्यांक बताने हैं आपको। क्या बताने? क्या बताने? शून्यांक। इसका हिंदी मीन्स क्या होता है? शून्यांक, यानी कि बहुपद के शून्यांक आपको बताने। तो देखो जीरोस ऑफ ए पॉलीनोमियल बिल्कुल सिंपल है, यानी कि जैसे मैंने एक पॉलीनोमियल लिख दिया। देखो पॉलीनोमियल को px ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे हम px =
एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस एट लिख दिया, ठीक है गाइस। मैंने आपका ये क्या लिख दिया, एक पॉलिनोमियल लिख दिया। अब मैंने क्या बोला कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो जीरोस क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, यानी कि एक्स यानी कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इस पॉलिनोमियल के अंदर रखते ही ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो बन जाए। क्या बन जाए, ये पॉलिनोमियल पूरी तरह से जीरो बन जाना चाहिए, तो वही क्या कहलाता है, उस पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाता है। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए आप एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रख सकते हैं जिससे कि आपका ये कट पिट कर क्या हो जाए, बिल्कुल जीरो हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, जीरो। एक्स की आपको ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसको यहाँ पर रखते ही ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। जैसे मैंने देखो आपसे बोला पुट एक्स इक्वल टू टू, क्या करना है आपको, एक्स की जगह टू पुट कर दीजिए इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो देखो यहाँ पी टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर प्लस फोर माइनस एट। अब देखो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर प्लस फोर माइनस एट, फोर फोर एट, एट में से क्या आ गया आपका जीरो, यानी कि इस पॉलिनोमियल का सॉरी यानी कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो क्या हो गया, टू हो चुका है। क्या हो चुका है, इसका पॉलिनोमियल का जीरोस टू हो चुका है। अब इसी तरीके से मैंने आपसे बोला पुट एक्स इक्वल टू माइनस टू, क्या कर दो इसी एक्सप्रेशन के अंदर आप एक्स की जगह माइनस टू पुट करें। तो देखो यहाँ पे करते हैं अपन पुट पी माइनस टू, तो देखो एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर माइनस एट। अब आपको पता है कि जब भी किसी भी माइनस नंबर का, माइनस का जो नंबर होता है उसका अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो वो किसका बन जाता है, प्लस का। तो यानी कि माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, फोर प्लस फोर माइनस एट, फोर फोर एट माइनस एट, तो एट में से एट गया तो आपका क्या आ गया, जीरो आ चुका है। तो यानी कि माइनस टू भी इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, जीरोस हो चुका है। इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस मिल गए अपन को, टू जीरोस मिल गए। कितने जीरोस मिल गए, टू जीरोस। अब देखिए गाइस अपन को इस पॉलिनोमियल के दो ही जीरोस मिले, इससे ज़्यादा जीरोस आपको नहीं मिल सकते। उसका रीज़न क्या है कि इसकी डिग्री क्या है, टू है। इसकी डिग्री कितनी है, दो। यानी कि अपन को किसी भी पॉलिनोमियल का पता लगाना है देख करके इसके कितने जीरोस होंगे, तो अपन किस चीज़ से पता लगा सकते हैं, डिग्री से पता लगा सकते हैं। किस चीज़ से पता लगा सकते हैं, डिग्री। यानी कि जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। जैसे यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, टू, तो यानी इसके कितने जीरोस हो गए, दो जीरोस हो गए। तो देखो अपन जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। ये क्या होता है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक्स या फिर वेरिएबल की वो वैल्यू जो एक्सप्रेशन सॉरी जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपकी इस तरीके की डेफिनेशन आपको कहीं नहीं लिखी मिलती। मैं मेरे अकॉर्डिंग बना के लिखता हूँ, आपको भी हमेशा इसी तरीके से डेफिनेशन को रटना कभी भी नहीं है। आपके जैसे मन में आ रहा है आप वैसे ले सकते हो। आपको हिंदी यूज़ करनी है, हिंदी यूज़ करो, इंग्लिश यूज़ करनी है, इंग्लिश यूज़ करो। आप व्हाट्सएप पे जैसे टाइपिंग करते हो आप उस तरीके से भी डेफिनेशन को लिख सकते हो। आपको बस नॉलेज होनी चाहिए कि डेफिनेशन चीज़ है क्या, मतलब इसमें जो मेन चीज़ है वही आपको समझनी है। तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल क्या कर हो जाए, पूरा जीरो हो जाना चाहिए। जैसे मैंने देखो इस पॉलिनोमियल को लिया, इसके अंदर मैंने जैसे ही एक्स की जगह टू पुट किया, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो यानी कि एक्स यानी कि दो इसका क्या हो गया, जीरो हो गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या पुट किया, माइनस दो, तो माइनस दो पुट करते भी इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। यानी कि इसका एक और जीरो मिल गया मुझे, माइनस टू। और देखो अपन को कैसे पता चलता है कितने जीरोस है, तो उसका पता कैसे चलता है, डिग्री से पता चलता है। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने उसके क्या होता है, जीरोस होते हैं। ओके गाइस, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया आपका पी वाई इक्वल टू फाइव एक्स और माइनस टेन। ठीक है गाइस, ये मैंने आपका के ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया। मैंने आपसे पूछा इसका जीरोस बताइए, तो आप देखो क्या करोगे सॉल्यूशन में, आपको एक्स के ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसकी वजह से ये क्या बन जाए, जीरो बन जाए। जैसे मैंने सोचा कि एक्स की जगह मैं क्या रख दूँ, इसके अंदर टू रख देता हूँ, तो पुट एक्स इक्वल टू टू। मैंने क्या किया, एक्स की जगह दो रख दिया, इसके अंदर क्या रख दिया, इसके अंदर दो। तो देखो आप पूरे एक्सप्रेशन में एक्स की जगह क्या रख दो, दो, सॉरी यहाँ पर एक्स ले लीजिए, पी टू बराबर फाइव, फाइव और एक्स किसके अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर, तो यहाँ पर क्या जाएगा, टू माइनस टेन, फाइव टू जै टेन
माइनस टेन, टेन में से टेन गया तो आपका क्या आ गया जीरो, यानी कि टू क्या हो गया इस पॉलिनोमियल का जीरो बन चुका है। यानी कि जीरो से ऑफ ए पॉलिनोमियल बिल्कुल सिंपल है, क्या होता है वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या बना दे जीरो कर दे पूरी तरह से, वो क्या कहलाता है उसका जीरोस कहलाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे मैंने लिया एग्जांपल पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स इक्वल टू वन अपॉइंट फाइव, वन अपॉइंट फाइव एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप माइनस फाइव, ठीक है गाइस मैंने ये ले लिया। अब मैंने पूछा कि इस पॉलिनोमियल का आपका जीरोस क्या होगा, तो आपको क्या करना है एक्स की ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसकी वजह से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए आपकी जीरो हो जाए। तो देखिए गाइस आप इसमें क्या पुट करोगे, मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर एक्स की जगह फाइव पुट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ एक्स की जगह फाइव पुट कर रहा हूँ, तो यानी कि वन अपॉइंट फाइव या पी फाइव इक्वल टू वन अपॉइंट फाइव, और एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया फाइव, तो यानी कि फाइव का स्क्वायर माइनस फाइव। अब देखिए एक फाइव से एक फाइव की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ आपका फाइव माइनस फाइव, और फाइव में से फाइव गया तो आपका क्या आंसर आ गया जीरो, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या आ चुका है आपका फाइव, क्या आ चुका है फाइव, तो यानी कि एक्स की जगह आपने फाइव जैसे रखा इसकी वैल्यू क्या हो गई जीरो, तो यानी कि फाइव इसका क्या हो गया एक जीरोस हो चुका है। ओके गाइस तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं, अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ जिनको आपको घर से करके और क्या करना है कमेंट बॉक्स में उनके आंसर डाल देने हैं। ओके गाइस तो देखिए आपका होमवर्क क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दो क्वेश्चंस ही दे रहा हूं, दोनों क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है और उनको करके कमेंट बॉक्स में उनका आंसर लिख देना है। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, किसके अंदर फाइंड करना है आपको, ये एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, थ्री एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू, इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको क्या बताना है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बताना है। ओके गाइस और सेकंड आपका क्वेश्चन है फाइंड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऑफ दिस पॉलिनोमियल पॉलीनोमियल, यानी कि इस पॉलीनोमियल का आपको क्या करके बताना है जीरो जीरोस फाइंड करके बताना है। तो आपका जैसे क्वेश्चन है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो आप इसको 50, ठीक है गाइस तो आपको क्या करके बताना है इसके जीरोस फाइंड करके बताना है, इसका तो जीरोस फाइंड करना है, इसका क्या करना है आपको कोएफिशिएंट फाइंड करना है। ओके गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए जिनसे आपके दोस्त यार भी इनसे क्या कर सके बेनिफिट पा सके। ओके गाइस थैंक यू।